कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी, कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर. तो आपको क्या गिवन है, एक ब्रास की लेंथ गिवन है 0.2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और जब कंप्रेस्ड बाय अ लोड ऑफ, हमने इसको दबा दिया और कितनी फोर्स से 5 केजी वेट, केजी वेट को अगर आप 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स न्यूटन में आ जाएगी. क्या निकालना है आपको, इंक्रीज इन एनर्जी या आपने कितना वर्क डन किया. तो हमने एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला क्या किया था, हाफ इनटू फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ. अब आपको इस क्वेश्चन में फोर्स तो पता है पर आपको डेल्टा एल नहीं पता, पर उसके बदले में आपको यंग्स मॉडुलस पता है क्योंकि वायर इलास्टिक है. तो आप यंग्स का फॉर्मूला लिखें, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एल आ जाएगा. अब डेल्टा एल को यहां पुट कर दें, आपको क्वेश्चन में फोर्स पता है, लेंथ पता है, वाई पता है और एरिया पता है. आंसर यहां तक तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है क्लियर है. तो बेसिकली इसमें आपको एक चीज मिसिंग कर देगा और वो मिसिंग टर्म यंग्स मॉडुलस से निकलवाएगा. ठीक है यहां तक. जैसे स्टील वायर जिसकी लेंथ 4 मीटर एल गिवन है, स्ट्रेच थ्रू 2 mm, 2 mm का मतलब डेल्टा एल गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, ए गिवन है और वाई गिवन है. क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी को छोटे यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एनर्जी डेंसिटी छोटा यू इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करवाया था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करवाया था ये फॉर्मूला. और एक फॉर्मूला ये भी करवाया था, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर. तीन फॉर्मूले करवाए थे वैसे तो. स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल. तो आपको इस क्वेश्चन में वाई पता है, डेल्टा एल पता है और लेंथ एल पता है. तो आप ये वैल्यूज को यहां पुट कर लेना, वाई को, डेल्टा एल और एल को, आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, जूल पर मीटर क्यूब. पहला स्टेप क्लियर है. तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, अगर आपने ये नहीं लगाना कोई बात नहीं, आप हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन लगा लो, स्ट्रेस को पुट कर लेना फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन को पुट कर लेना डेल्टा एल बाय एल, राइट. तो सेकेंड पार्ट है, फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. ए पार्ट में क्या पूछा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरे पार्ट में एनर्जी. वैसे तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा, ये भी लगा सकते हो. नहीं तो एक काम करो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई, एनर्जी. तो ये भी सही है क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. तो एनर्जी डेंसिटी ए पार्ट में निकाल ली और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ एल. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है और लेंथ पता है, यहां से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एनर्जी की वैल्यू आएगी. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो कैसे करना है, मतलब फॉर्मूले की एप्लीकेशन ही है बेसिकली, फॉर्मूला याद करो और उसको अप्लाई करना है. इस क्वेश्चन को देखेंगे,
देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मेटल गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब अगर आपने इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो वायर टूट जाएगी। फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर विच मे बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग और डेंसिटी गिवन है। देखो इसके अंदर क्या गिवन है कि एक वायर है, वायर टूट जाएगी अगर आपने इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाया, राइट? तो अब वायर का कितना मास लें, नहीं वायर की कितनी लेंथ लें, लेंथ लें ताकि ये टूटे ना। अब वायर की लेंथ लें मतलब तोड़ेगा कौन? सोचो इतनी लंबी वायर ली, इतनी मोटी वायर ली, टांगना शुरू किया और एल और एल और एल, इतनी भारी हो गई कि अपने भार से ही वो खींचनी शुरू हो गई और टूट गई। इलास्टिक वायर है, अपना ही मास, अपना ही वेट उसे क्या कर रहे, खींच रहे, नीचे ब्लॉक लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, अपना ही वेट इसको खींच देगा। तो बताओ कितनी लंबी वायर लें ताकि वो, अगर आपने उससे ज्यादा लंबी वायर ली तो वो टूट जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको इस वायर का क्या गिवन है? ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है। अब मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, अब इसमें जो वेट है वायर का वो उसे खींचेगा और तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वायर अपने वेट से खींचती खींचती पतली पतली होती जाएगी और टूट जाएगी। तो वायर का वेट क्या है? एम जी। पर आपको एम नहीं गिवन, आपको लेंथ निकालनी है, तो मास को लिखें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो लिख लिया, तो बस ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? वेट ऑफ द वायर बाय एरिया ए, ए से ए कैंसल। तो आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, लेंथ आपको निकालनी है, डेंसिटी और जी दोनों टर्म्स गिवन है, यहां से लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको लेंथ निकालनी है क्या होगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं करेंगे ये वाला। अब अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे, ये हमने कर लिया, यहां से करेंगे। देखो ये एक कुछ ट्रिक है, कुछ शॉर्टकट है जो आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है कि अगर एक वायर है और एक वायर को सीलिंग से हमने टांग दिया, सीलिंग से टांग दिया, और ये अपने वेट से, ओन वेट से ये खिंचनी स्टार्ट हो गई। इंपॉर्टेंट है, एक वायर को आपने छत से टांग दिया, अंडर इट्स ओन वेट ये खिंचनी स्टार्ट हो गई, लंबी होनी स्टार्ट हो गई, और ये कितनी लंबी हो गई? बाय डेल्टा एल। तो इसमें ये इलास्टिक वायर है तो इसमें यंग मॉडुलस होगा, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, कैसे लगाओगे? यंग मॉडुलस होता क्या है? फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। अब फोर्स में क्या पुट करेंगे? इस वायर का अपना वेट, वेट की जगह क्या पुट करेंगे? एम जी। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या पुट करेंगे? ए। इंक्रीज इन लेंथ क्या पुट करेंगे? डेल्टा एल। पर लेंथ क्या पुट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जब एक वायर अंडर इट्स ओन वेट खींचती है नीचे, तो मास कहां पर पाया जाता है? सेंटर ऑफ मास पे। तो इसीलिए आपने छत से लेके सेंटर ऑफ मास की लेंथ क्या लेनी है? एल बाय टू। तो यहां पर क्या लगेगा? एल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एल बाय टू। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बताता हूं, एल बाय टू कब लगेगा और एल कब लगेगा, ठीक है? ये देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो पहला केस, मतलब मैं इसको कैसे देखता हूं आपको समझाता हूं कि मुझे कैसे पता लगता है कि सेंटर ऑफ मास लगाना है कि नहीं लगाना। अगर मेरे को केस नंबर वन ऐसा कुछ गिवन है कि ये आपकी एक वायर है और इस वायर का मास नहीं है, तो ये एक मासलेस वायर है और नीचे एक ब्लॉक है एम, लेंथ है एल। तो इसका क्योंकि मास नहीं है तो इसका जो सेंटर है वो ये सेंटर ऑफ मास पे होगा, और टोटल लेंथ इस सीलिंग से कितनी है इसकी? एल। तो यंग्स मॉडुलस में फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? सीधा फॉर्मूला लगेगा, बात खत्म। तो ये लेंथ होती क्या है? ये लेंथ होती है सीलिंग से लेके मास के सेंटर तक की लेंथ लेनी होती है, क्योंकि रस्सी का मास तो है नहीं, ब्लॉक का मास है, ब्लॉक का मास और छत से लेंथ कितनी है? एल। तो एल ले लेनी है आपने। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक। दूसरा, और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा बनाया है, ये काफी छोटा है और ये यहां तक बना हुआ है, लेंथ यहां तक बनी हुई है इसका मतलब। दूसरा केस, केस नंबर टू। केस नंबर टू में आपको कहेगा कि छत से एक वायर बंधी हुई है, मोटी वायर है, मोटी वायर है ऑफ लेंथ एल,
और मास वायर का एम ए ब्लॉक नीचे है नहीं, यंग्स मॉडुलस लगाओ। तो जब यहां यंग्स मॉडुलस लगेगा तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसमें, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय, अब इसका मास कहां लिया जाएगा, सेंटर ऑफ, तो इसका मास यहां पर इमेजिन करेंगे तो छत से इसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, तो ओन वेट में एल बाय टू और वैसे मासलेस स्ट्रिंग में एल। दो केस। तीसरा केस, केस नंबर थ्री, ये रेयर है पर अगर आ जाए तो क्या करना है उसका तरीका बता रहा हूं। इसमें ये वायर है जिसका मास है कैपिटल एम, राइट, इसके नीचे एक स्फीयर है जिसका मास है स्मॉल एम, राइट। यंग्स मॉडुलस लगाओ, कैसे लगाओगे इसमें, फोर्स में क्या पुट करोगे, एम प्लस एम इंटू जी, एरिया की जगह ए, डेल्टा एल बाय लेंथ क्या पुट करोगे, अब लेंथ क्या पुट करोगे क्योंकि वायर का मास है तो मन करेगा सेंटर ऑफ मास, और ब्लॉक का इसमें इसका भी मास है तो मन करेगा एल पुट कर लो, तो क्या करें, दोनों कैसे कर सकते हैं, आप दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास के चैप्टर से, एम वन वाई वन, एम टू वाई टू, एम वन प्लस एम टू, तो सेंटर ऑफ मास यहां और यहां के कहीं बीच में निकलेगा, तो पहले सेंटर ऑफ मास निकलेगा फिर वो यहां पर लेंथ पुट की जाएगी तो आंसर आएगा, वैसे रेयर चांस है पर तरीका बता दिया कि कैसे करना है, इन दोनों में से आएगा, पर अगर दोनों मास गिवन हो, रस्सी का भी मास गिवन हो और ब्लॉक का भी गिवन हो, फिर आपने पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है फिर आंसर आएगा। तो क्लियर है यहां तक, वैसे जब आएगा तब की तब देखेंगे, वैसे जल्दी जल्दी आता नहीं है, इन दोनों में से तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो अब मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, अब दूसरा, अब एक वायर इलास्टिक इन नेचर है और इलास्टिक वायर को जब खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती है, तो किसी ने कहा सर ये तो स्प्रिंग वाली बात हो गई ना, स्प्रिंग भी तो ऐसा ही था, जब खींचते हैं इलास्टिक था वापस आ जाता था, लेकिन हम इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, स्प्रिंग गोल गोल होता है, वायर सीधी होती है, तो ये स्प्रिंग नहीं है कम से कम, हाँ इलास्टिक स्प्रिंग भी है, इलास्टिक वायर भी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर किसी ने ये कहा कि सर अगर मान लो ये इलास्टिक है और इसको मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूं तो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा, तो वो करने के लिए मैं अगर मन में सोचूं कि इलास्टिक वायर एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वाई, यंग्स मॉडुलस, तो उसको करने के लिए y का फॉर्मूला लिखें, फोर्स बाय एरिया डेल्टा l बाय l, इसको ठीक तरह करके लिखें। किसी भी स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होता है, k टाइम्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, k डेल्टा l, तो k क्या होगा f बाय डेल्टा l, तो आप f बाय डेल्टा l की जगह रिप्लेस कर दें k, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कभी कभी काम आएगा, बताऊंगा कैसे काम आएगा। तो मतलब आज के बाद अगर मुझे y गिवन है और मुझे k चाहिए तो मैं k निकाल लूंगा इस फॉर्मूले से, और अगर मुझे k गिवन है और मुझे y चाहिए तो मैं y भी निकाल लूंगा इस फॉर्मूले से, तो ये y और k का रिलेशन है, क्योंकि y का मतलब इलास्टिक, k का मतलब भी इलास्टिक, न्यूमेरिकली ही यूज करेंगे इसे, हाँ ये हाइपोथेटिकल है अगर यूज किया जाए तो, है ना, वैसे एक्चुअल तो स्प्रिंग होता नहीं है। अब जैसे मान लो कहां यूज करेंगे बता देता हूं, आपके पास दो वायर्स हैं, दो स्प्रिंग नहीं है, दो वायर्स हैं, वाई वन वाई टू यंग्स मॉडुलस है, इलास्टिक है, नीचे एम टंगा हुआ है, दोनों पैरेलल में है। किसी ने कहा दो वायर्स का यंग्स मॉडुलस वाई वन वाई टू है, मुझे एक इक्विवेलेंट एक वायर लगा के दो जिसके अंदर आप इक्विवेलेंट वाई निकाल के दो, इसका क्या होगा, जैसे स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकलता था, इक्विवेलेंट वाई निकाल के दो इन टर्म्स ऑफ वाई वन एंड वाई टू, तो अब क्या करेंगे वो हमें आता नहीं है, हम क्या करेंगे इसको मन में मानेंगे ये स्प्रिंग है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, मन में सोचो इसका k2 है, और हमने स्प्रिंग में किया हुआ है, अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है k1 plus k2, पर क्वेश्चन स्प्रिंग का तो है नहीं ना, क्वेश्चन तो y का है, तो फिर क्या करेंगे k को y की फॉर्म में लिख लेंगे, तो k1 की जगह y1 a by l फर्स्ट वायर के लिए, सेकंड वायर के लिए y2 a by l, और इन दोनों वायर की जगह जब एक मोटी वायर लगेगी उसका एरिया डबल हो जाएगा और लेंथ रिमेनिंग दी सेम, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो यंग्स मॉडुलस है वो y, तो यहां से सारी वैल्यूज कैंसिल करके ये फॉर्मूला बनेगा, इसको ऐसा फॉर्मूला याद कर सकते हो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, सीधा मार्क किया जा सकता है। तो इसको स्प्रिंग की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है,
ताकि हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चंस या इक्विवेलेंट पैरेलल के क्वेश्चंस को कर सकें। जैसे सपोज करो आपके पास फिर से दो वायर्स हैं, वाई वन वाई टू गिवन है, और इस बार ये किस में गिवन है, सीरीज में गिवन है। वो कह रहे हैं इन दो वायर की जगह एक वायर लगा के दो और इक्विवेलेंट वाई निकाल के दो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वायर को के1 मानेंगे, सेकंड वायर को स्प्रिंग कांस्टेंट के2 मानेंगे। तो सीरीज के अंदर के क्या होगा, 1 बाय के1 1 बाय के2, तो ये वैल्यू आएगी। तो के1 की जगह y1 a by l, k2 की जगह y2 a by l, और इसकी जगह भी y1 a by l, y2 a by l। और इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, जब ये नया वायर लगेगी उसकी लेंथ ट्वाइस होगी, 2l लंबी वायर लगेगी, तो y a by 2l। इसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला मार्क कर सकते हो, 2y1 y2 by y1 plus y2 फॉर्मूला बन गया ये। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने इसको k की फॉर्म में क्यों लिया, ताकि हम अपने कन्वीनियंस से इसको स्प्रिंग मान ले और इक्विवेलेंट यंग्स मॉडल्स की वैल्यू निकाल दे। हालांकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाई दिया मैंने सीरीज और पैरेलल का, तो ये फॉर्मूला ही तैयार हो गया, सफिशिएंट है। क्लियर है यहां तक? ना ना, डेरिवेशन नहीं आएगी सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले आएंगे ये। हाँ, ये रूल है, ये रूल है, जब एक वायर लगती है इसकी जगह तो लेंथ इतनी लंबी लगाते हैं, ये रूल, तो 2L लगाना है आपने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है ये एनसीईआरटी का, कितनी बार तो ये मेंस में और नीट में आया, आपको बहुत बार दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक पॉइंट समझना है, ठीक है? देखो, ये क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा जो हम आगे आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। बहुत आसान चैप्टर है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है, थर्मल का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब फैलना। हीट गर्म करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी चीज का फैलना इस थर्मल एक्सपेंशन। हम ऑब्जेक्ट को तीन तरीके से देखते हैं, या तो कोई चीज एक्सपैंड होगी लेंथ वाइज, या एरिया वाइज, या वॉल्यूम वाइज। वायर हमेशा लेंथ वाइज इंक्रीज होती है, डिस्क एरिया वाइज इंक्रीज होती है, और सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम वाइज इंक्रीज होता है, राइट? तो अगर मैं एक वायर लेता हूं जिसकी लेंथ एल है, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वायर की लेंथ कितनी हो गई, एल डैश। तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो गई, एल डैश माइनस एल, इंक्रीज इन लेंथ है। अब यह देखा गया है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो एल के प्रोपोर्शनल है, मतलब इंक्रीज इन लेंथ अगर ज्यादा है तो यानी कि ओरिजिनल लेंथ भी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, आपने उसको धूप में रख दिया वायर को, तो वो 0.6 mm या 0.7 mm इंक्रीज हो गई, बात खत्म। 2 मीटर कितनी की इंक्रीज होगी, हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी, या 6 mm इंक्रीज हो जाएगी ज्यादा। लेकिन अगर आपकी वायर 250 किलोमीटर लंबी है, अब वो तो मीटर में लंबी होगी ना, जो वायर इतनी लंबी है उसका इंक्रीज तो लंबा होगा, और जो वायर ही छोटी सी है उसका इंक्रीज भी क्या होगा, छोटा होगा, सही है यहां तक? तो अगर ओरिजिनल लेंथ बड़ी होगी तो उसका इंक्रीज इन लेंथ भी उतना ही बड़ा होगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? और दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर करोगे लेंथ उतनी ज्यादा, इंक्रीज इन लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? दोनों फैक्टर्स क्लियर हैं? जितने की बैंक में एफडी करवाओगे ब्याज भी उतना ही आएगा, एफडी 1 करोड़ की है, ब्याज भी ज्यादा आएगा, इंक्रीज भी ज्यादा ही होगी। अगर 2 रुपए की करवाओगे तो क्या चाहते हो, 1 करोड़ का ब्याज मिलेगा भाई, पैसों में भी नहीं मिलेगा। तो यार जब ओरिजिनल लेंथ ही एल छोटी है तो इंक्रीज कैसे ज्यादा होगा, अगर लेंथ ही किलोमीटर में है तो इंक्रीज मीटर में है, और अगर लेंथ ही 2 मीटर की है तो क्या सोचती होगी, 2 मीटर की वायर धूप में रखी 4 मीटर की होगी, ऐसे थोड़ा ना होगा यार, समझ में आ रहा है? तो एल पे डिपेंड करेगा डेल्टा एल, और डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा गर्म करेंगे तो लेंथ भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं तो ये टर्म आएगी, और प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट क्या शो करता है, वायर का नेचर। अब ये थोड़ी ना कि आपने एक कॉपर की वायर भी ली और एक एल्यूमिनियम की भी ली, एक आपने गोल्ड की ले ली, धूप में रख दी, सबका डेल्टा एल सेम, क्यों जी, डेल्टा टी भी सेम, एल भी सेम ना।
किसी का नेचर ऐसा है जो ज्यादा एक्सपेंड करता है, किसी का नेचर ऐसा है जो कम एक्सपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट वो नेचर बताता है, इस कांस्टेंट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जिस भी मटेरियल का अल्फा ज्यादा होता है उसकी टेंडेंसी एक्सपैंड करने की ज्यादा होती है, और जिस भी मटेरियल का अल्फा कम होता है टेंडेंसी टू एक्सपैंड उसकी कम होती है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर अगर मैं काम करूं डेल्टा एल की जगह पुट कर लूं एल डैश माइनस एल एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, तो एल डैश इज इक्वल टू एल वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसा कुछ। तो ये फॉर्मूला बन गया, हम इस फॉर्मूले पे आने वाले टाइम में काम करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में ओरिजिनल लेंथ दूंगा वायर की, आपको मटेरियल का अल्फा दूंगा, चेंज इन टेम्परेचर दूंगा, आप मुझे नई लेंथ निकाल के दोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? वैसे हम आने वाले चैप्टर में फिर से करेंगे, अभी मुझे ये चाहिए था तो मैंने बता दिया, आने वाले चैप्टर में ईजी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला क्लियर है? तो नई लेंथ पुरानी लेंथ आपस में ऐसे रिलेटेड है, ठीक? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई यानी कि इलास्टिक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा यानी कि गर्म करने से एक्सपेंड होती है, इज हीटेड टू टी डिग्री सेल्सियस, गर्म कर दी तो एक्सपेंशन होगी, इंक्रीज इन लेंथ होगा। तो कह रहे वर्क डन बाय द रॉड क्या है? देखो इस बार मैंने तो वर्क डन किया नहीं, किसने किया? गर्मी ने किया, गर्मी ने एक्सपेंशन किया और गर्मी ने वर्क डन किया। तो कितना वर्क डन किया? हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो मुझे क्या निकालना है? एफ और डेल्टा एल आंसर आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो ऐसा ऑप्शन आपको पेपर में दिखेगा, अल्फा की फॉर्म में निकालना है। तो एक काम करेंगे, ये फॉर्मूला अभी हमने किया एल डैश वाला, इसे ओपन कर लें, एल डैश इज एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से एल डैश माइनस एल को डेल्टा एल लिख लेंगे, तो डेल्टा एल आ गया। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। आप एक काम करो, आप इसमें ये जो डेल्टा एल निकाला इसको उठा के यहां पे डिनोमिनेटर में पुट कर दें, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगी। इस फोर्स को यहां पुट कर दें और डेल्टा एल की जगह ये यहां पे पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। तो मतलब फोर्स निकाला यंग्स मॉडुलस से, लेकिन डेल्टा एल जो निकाला वो अल्फा की टर्म में निकाला, तो अल्फा की टर्म में डेल्टा एल निकाल लिया और फिर यहां से यंग मॉडुलस की फॉर्म से फोर्स की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इससे अल्फा को इन्वॉल्व किया इसने, ठीक है यहां तक? हालांकि जब हम ये चैप्टर कर लेंगे तो और ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे तो अप्लाई करना थोड़ा ईजी रहता है, राइट? क्लियर है? इसके बेस पे जैसे ये जो शीट है 107 नेक्स्ट जो आपकी, ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अ वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 केजी वेट। तो वायर को तोड़ा जा सकता है अगर आप फोर्स कितनी लगाते हो, 20 केजी वेट। तो बताओ फोर्स कितनी चाहिए टू ब्रेक द वायर ट्वाइस द डायमीटर। ट्वाइस द डायमीटर का मतलब रेडियस डबल करना है, मोटी वायर को तोड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? मटीरियल रिमेनिंग दी सेम, मटीरियल चेंज नहीं किया, मटीरियल सेम है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? एफ फोर्स लगती है किसी वायर को तोड़ने के लिए या 20 केजी वेट लगता है, तो मोटी वायर को तोड़ने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? एक चीज ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप वायर कैसी भी ले आओ ब्रेकिंग स्ट्रेस विल रिमेन सेम। आपको वो कैसे? क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। जो वायर का एरिया छोटा है उस पर फोर्स भी छोटी लगेगी, और जिसका एरिया बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है उसका न्यूमिनेटर भी बड़ा है, रेशियो रिमेनिंग सेम। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहता है, याद रखना है। तो पहले केस में ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है? F1 by A1। दूसरे केस में ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है? F2 by A2। तो आपको इसमें F2 निकालना है, क्योंकि डायमीटर डबल किया या रेडियस डबल किया तो एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से, आर डबल होगा तो एरिया फोर टाइम्स है। तो एरिया A2 की जगह फोर टाइम्स A1, A1 A1 कैंसिल, F1 की वैल्यू 20 K1 है, तो 80 kg वेट आपके पास आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो असली जो कॉन्सेप्ट था इसमें सीखने वाला वो क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस रिमेन्स सेम।
तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सोचते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ केबल कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ W, एक तार है, वायर है, W वेट को सपोर्ट कर लेती है। अब वायर को दो इक्वल हिस्सों में काट लिया, छोटी छोटी दो वायर ले ली, वो कितने वेट को सपोर्ट कर पाएगी? एक बात बताओ, आपने एक वेट को टांगना है, आप एक रस्सी लेके आते हो, W वेट को वो टॉलरेट कर पाएगी, लटका दिया आपने। अब ये थोड़ा मैटर करता है रस्सी 10 मीटर लंबी थी कि 2 मीटर लंबी है कि 50 मीटर लंबी है, अगर वो वेट नहीं टॉलरेट कर पा रही तो छोटी रस्सी भी टूटेगी और बड़ी रस्सी। ये थोड़ा है रबर बैंड ले आओगे और मेरे को हवा में उड़ा लोगे, क्योंकि रबर बैंड है, रबर बैंड तो 20 मीटर लंबा लेके आए थे, उड़ा देते हैं। क्यों भाई, रबर बैंड की स्ट्रेंथ की कोई चीज नहीं है, तो लंबाई से कुछ नहीं होता। आपने इसको काट भी दिया, स्ट्रेंथ रिमेनिंग थी सेम, स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगी लेंथ से। तो इसीलिए आंसर विल रिमेन W, वायर की लेंथ पे उसकी स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है यहां तक? अब जैसे ये क्वेश्चन है, दो वायर्स हैं मेड अप ऑफ सेम मटीरियल, मटीरियल सेम का मतलब Y की वैल्यू रिमेनिंग सेम, यंग मॉडुलस सेम है। A हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 टाइम लेंथ ऑफ B, तो डायमीटर ट्वाइस का मतलब रेडियस ट्वाइस है A का और लेंथ 3 टाइम्स है, गिवन है। और इफ इलास्टिक लिमिट इज नॉट रीच्ड, चलो इलास्टिसिटी अभी है इसकी, व्हेन ईच वायर इज स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन, सेम टेंशन का मतलब फोर्स रिमेनिंग सेम, तो रेशियो निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जो हमने किया था, वैसे तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला किया था, वॉल्यूम को राइट साइड पे ले जाते हैं तो वर्क डन की वैल्यू आ गई, यही एनर्जी है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट वायर के लिए स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यंग्स मॉडुलस वाई ए, और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ। सेकेंड वायर के लिए भी एफ बी आर बी वाई बी आर बी एल बी, इन्हें डिवाइड कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो एफ और एफ सेम है, आर ए और आर बी की रेशियो गिवन है, एल ए एल बी की रेशियो गिवन है, और यहां से डिवाइड करके आंसर आएगा वर्क डन का। तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला ही है, वो कैसे यूज करना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मूला यूज करें, आपके पास और कई फॉर्मूला है वर्क डन के, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आएगा। और आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे, किस टाइप की प्रॉब्लम है इसमें? ये प्रॉब्लम मेन्स और नीट में आई हुई है, इसका शॉर्टकट करेंगे सीधा। क्या एक आपके पास कॉनिकल वायर है, हमारी जो वायर्स होती है ना सिलेंड्रिकल होती हैं, जो हमने थ्योरी में की हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ से रिमेन्स सेम। ये कह रहा है कि कॉनिकल वायर है, यहां से रेडियस आर वन है, यहां से रेडियस आर टू है, लेंथ क्या है एल, और फोर्स अप्लाई किया। इसमें फोर्स एफ अप्लाई की, आपको इंक्रीज इन लेंथ बताना है क्या होगी। अगर मैं यंग्स का फॉर्मूला लगाता हूं तो फोर्स की जगह तो एफ आएगा, लेंथ की जगह एल आएगा, वाई की जगह वाई आएगा, डेल्टा एल निकालना है। प्रॉब्लम कहां पर है, एरिया। एरिया में पाई आर वन स्क्वायर यूज करूं कि पाई आर टू स्क्वायर यूज करूं, यह प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एरिया होता तो पाई आर स्क्वायर यूज करना था। शॉर्टकट नोट करें, आप इसमें ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, मेडिकल के लोग समझ लें, ज्योमेट्रिक का मीन का मतलब होता है दोनों एरियाज का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट। तो पहला एरिया पाई आर वन स्क्वायर, दूसरा पाई आर टू स्क्वायर, ये एरिया यूज करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। अब आप पूछेंगे ये कहां से आया फॉर्मूला, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने के लिए इंटीग्रेशन यूज की जाती है, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो पहले आप स्मॉल एलिमेंट लेते हैं वायर का, उसमें डेल्टा एल निकालते हैं, फिर सभी एलिमेंट का डेल्टा एल इंटीग्रेट करते हैं, आंसर यही आता है। तो हम वो इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम सीधा शॉर्टकट कर रहे हैं, सफिशियंट है शॉर्टकट, जरूरत नहीं है, काफी बड़ी इंटीग्रेशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? ठीक है, यहां तक कॉनिकल पेंडुलम याद है, आपने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के साथ मास एम लिया, उसको गोल गोल ऐसे घुमाया, कितने रेडियस में घुमाया, छोटे आर रेडियस में घुमाया, और वायर का क्रॉस सेक्शन रेडियस कैपिटल आर है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये वाला, ये रेडियस कैपिटल आर है और ये वाला रेडियस स्मॉल आर है। ठीक हो गया? तो ये वायर घूम रही है, जब वायर कॉनिकल पेंडुलम की फॉर्म में घूमती है तो वायर में टेंशन होती है, सबको पता है थीटा थीटा टेंशन, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू
एम जी किया था हमने लॉज ऑफ मोशन में, क्या निकालना है डेल्टा एल। वायर इलास्टिक है तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लेना, यंग मॉडुलस में फोर्स की जगह टेंशन पुट करनी पड़ेगी क्योंकि वायर में फोर्स कितनी है टेंशन। तो यहां पर टी कॉस थीटा एम जी से टी आ गया, आप यहां पर यंग मॉडुलस के फॉर्मूले में डेल्टा एल निकालना चाहते हो तो एक तरफ फोर्स की जगह टेंशन, टेंशन आपको पता है एम जी बाई कॉस थीटा आंसर। तो लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के टेंशन निकाला और आधा क्वेश्चन यंग मॉडुलस का लगा लिया ताकि डेल्टा एल कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में। तो हर का स्टाइल अलग है, हर में टेंशन या फोर्सेस अलग अलग लग रही हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये बहुत कॉम्पिटिशन में आता है और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये भी। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द वायर एल वन है, लेंथ ऑफ द वायर एल वन है जब टेंशन उसमें टी वन है, यानी कि मैंने उसमें फोर्स लगा रखी है और लेंथ कितनी है एल वन है। लेंथ ऑफ द वायर एल टू है जब टेंशन कितनी है टी टू है, जब टेंशन को बढ़ा दिया तो टेंशन एल टू है और टेंशन टी टू है तो लेंथ एल टू हो गई। वो कह रहा है फिर ओरिजिनल लेंथ कितनी है वायर की ये बता दो। अब एक चीज सेम है दोनों केस में, वो है मटीरियल ऑफ द वायर, वायर इलास्टिक है तो वायर रिमेनिंग सेम। तो केस नंबर वन में मान लो ओरिजिनल लेंथ एल है वायर की, केस नंबर वन में टेंशन टी वन तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी डेल्टा एल वन, लेंथ एल है और एरिया ए है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। केस नंबर टू में वायर रिमेनिंग द सेम, टेंशन टी टू इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल टू, वाई सेम है दोनों वाई वाई को इक्वेट कर दें ये टर्म आ गई एल सी एल कैंसल। डेल्टा एल वन क्या है अब लेंथ एल वन है ओरिजिनल एल है तो इंक्रीज इन लेंथ आ गई। डेल्टा एल टू क्या है एल टू माइनस एल, राइट बस आ गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ओपन कर ले, ओपन करके इसमें एल निकालना है, सॉल्व करके एल आ जाएगा, वो आप कैलकुलेशन अलजेब्रा करते रहना एल आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है किसको इक्वेट करना है और डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू क्या पुट करना है, बस यहां से एल आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, मतलब सारे क्वेश्चन में वाई का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है यहां तक। ये एक फैक्ट आपने याद करना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इंफिनिटी। रिजिड बॉडी का मतलब नॉन इलास्टिक बॉडी, यंग्स मॉडुलस नॉन इलास्टिक बॉडी का क्या होगा, देखो ये यंग मॉडुलस है, डेल्टा एल क्या होता है रिजिड बॉडी का जीरो, इंक्रीज प्लास्टिक बॉडी का जीरो, तो डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब वाई इज इंफिनिटी, तो याद रखना इंफिनिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडीज अगेन इंफिनिटी, ये याद रखना अंडरलाइन कर लें। और शेयर मॉडुलस लिक्विड का जीरो, लिक्विड मुड़ता नहीं है एंगल नहीं बनाता तो एंगल इंफिनिटी नहीं होते एंगल जीरो जाएगा। ये तीन चीजें याद रखनी है, मेडिकल में तो वैसे ही आया था मार्क करने को, ठीक। क्वेश्चन है वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम वन, तो ये रॉड है जिसका मास एम वन है, इसके नीचे एक ब्लॉक टांग रखे एम टू का, टांग दिया, क्या निकालना है व्हाट इज स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ये रहा रॉड का मिड पॉइंट, स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलो फोर्स अपॉन एरिया, तो इस पॉइंट पर फोर्स निकालू, इस पॉइंट पर फोर्स है आधी रॉड का वेट प्लस एम टू का वेट, ये देखो वेट ऑफ एम टू हाफ वेट ऑफ द रॉड, क्योंकि सिर्फ इसके नीचे का निकालना है, तो वेट ऑफ एम टू एम टू जी, रॉड का वेट आधा कर दो एम वन जी बाई टू और एरिया से डिवाइड आंसर, सही है। तो रॉड का वेट आधा यूज करना है, ब्लॉक का पूरा यूज करना है, तो फोर्स आ जाएगी एरिया से डिवाइड करना है, क्लियर है यहां तक। तो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, स्ट्रेस निकालना है इसमें, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अगर ये पैरल में कनेक्टेड है तो ये शॉर्टकट करवाया मैंने भी आपको, ये कर लिया हमने, एक मिनट और। तो इसमें क्वेश्चन में एक स्टील की रिंग है, एक स्टील की रिंग है जो मुझे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इज फिटेड ऑन वुडन डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर, देखो ये वुडन डिस्क है, अगर रबर बैंड होती ना मिठाई के डिब्बे की तरह ऐसे खोलता और चढ़ा देता काम खत्म, स्टील की रिंग है, स्टील की रिंग इलास्टिक है, खुलेगी जब इसके ऊपर आएगी टाइट हो जाएगी, बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगी तभी चढ़ेगी इसके ऊपर, अगर लूज रह गई तो निकल जाएगी। वो कह रहा है इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इस वुडन का रेडियस स्मॉल आर है तो लेंथ कितनी है वुडन के सर्कमफ्रेंस की टू पाई छोटा आर, क्योंकि इसका रेडियस छोटा आर है
तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर। जो स्टील है, स्टील की रिंग को आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा शुरू में ताकि इसके ऊपर चढ़ जाए। तो आपने इसको कितना रेडियस किया, कैपिटल आर, स्टील की रिंग का रेडियस कैपिटल आर। तो आपने स्टील की जो रिंग है उसका रेडियस आपने कैपिटल आर लिया, तो उसकी लेंथ कितनी खोल ली आपने, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो स्टील की रिंग आपने इतनी लंबी कर दी, पर लेकिन इतनी लंबी थी तो लूज होकर निकल जाएगी, इलास्टिक है, थोड़ी आपने एक्सपैंड किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको होना कितना है, 2 पाई आर। चढ़ना तो वुडन के ऊपर ही है, तो अल्टीमेटली उसकी लेंथ 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगी। तो पहले लेंथ कितनी थी, 2 पाई कैपिटल आर, फाइनल कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर। तो ये आपने क्या किया, इंक्रीज इन लेंथ किया, तो स्टील का इंक्रीज इन लेंथ ये रहेगा। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक भाई? लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा तभी चढ़ाओगे वुडन के ऊपर, लेंथ नहीं बढ़ाओगे तो चढ़ेगी कैसे? तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, फोर्स निकालनी है कितनी होगी। तो आसान है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। ओरिजिनल लेंथ वुडन की, स्टील की फाइनल लेंथ क्या होने वाली है, 2 पाई छोटा आर जितनी वुडन की है, और इंक्रीज इन लेंथ क्या होगी, 2 पाई बड़ा आर माइनस 2 पाई छोटा आर। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?